हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 13। ओके, लेसन नंबर 13 का ग्रामर बूम हो। ओके, पार्ट हम देख रहे हैं। पार्ट वन में हमने नाउन गा होशी देस ये ग्रामर पैटर्न सीखा था, जैसे कि आई वॉन्ट समथिंग और समवन, उसका मीनिंग होता है। ठीक है, वाताशिवा कार गा होशी देस, जितेंशा गा होशी देस, इस तरह से। चलिए इस वीडियो में कौन सा पैटर्न है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है वर्ब मास फॉर्म, हमें वो मास फॉर्म निकालना है। टेक ऑफ मास, रिमूव मास प्लस ताइदेस, तो ये ताइदेस ग्रामर पैटर्न है ना, वो हम सीख रहे हैं। वर्ब मास फॉर्म प्लस ताइदेस, ठीक है। सो वांट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करने की इच्छा है, चाह है, तो उसके लिए ये बताया जाता है। तो देखो यूसेज जो है उसका वो हम देखेंगे। यूज टू इंडिकेट द विश ऑफ स्पीकर, जो बोल रहा है ना उसकी विश बताई जाती है, ठीक है। टू और टू आस्क द विश ऑफ द अदर पीपल, ठीक है, दूसरों की विश बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखनी है कि होशी और काइदेस, ये जो ग्रामर पैटर्न है ना, ये थर्ड पर्सन की विश बताने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। आप खुद की बताओ और दूसरों की, मतलब जो दूसरा पर्सन है उसकी बता सकते, थर्ड पर्सन की बता नहीं सकते। उसके लिए अलग ग्रामर पैटर्न आता है, उसे गारू फॉर्म कहा जाता है। गारू ता गारू ऐसा होता है, ठीक है। जब भी वो ग्रामर पैटर्न आएगा मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी। तो चलिए यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि ताई फॉर्म है। ताई फॉर्म जो है ना, ये आरु, ये जो वर्ब है उसके साथ कभी भी यूज नहीं होता। जैसे कि उसका जो एक पैटर्न रहता है ताई फॉर्म, मतलब मास फॉर्म आपको रिमूव करना है। आरिमास है, आरिमास का मास अगर हमने निकाल दिया तो आरी ताई देश वा दामे देश। ओके, आरिमास, आरी मास देश ने, आरिमास ये वर्ब है, आरु का मास फॉर्म। और हमने क्या कहा है कि वर्ब का मास फॉर्म हमें निकालना है और उसके साथ ताई देश जोड़ना है। आरी ताई देश वा जेताई चुकावा नाई देखो दासा है, आप उसका यूज इस तरह से नहीं कर सकते, हमें करना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में बहुत बड़ा जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, वो गलती से भी हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ताई देश जो है ना, उसके कुछ सेंटेंस हम देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो फर्स्ट वन है वो हम देखेंगे, वाताशिवा निहोन ए इक्की ताई देस, इक्की मास का मास निकाल दिया, इक्की ताई देस, मुझे जापान में जाने की इच्छा है, ठीक है, मुझे जापान को जाने की इच्छा है। कुत्सु ओ थाई ताई देस, आई वॉन्ट टू बाय न्यू शूज, आई विश टू बाय न्यू शूज, ठीक है, मुझे नई शूज लेने की इच्छा है, ठीक है, परचेस करने की इच्छा है या फिर लेने की इच्छा है। उसके बाद है ओनाकागा इताई देस, ओके, ओनाकागा इताई देस, ओके, इताई, ये जो है ना यहाँ पे ताई लगाई, ये मैंने जानबूझ के उसे मार्क किया है, बिकॉज इताई ये इटसेल्फ क्या है कि पेट दुख रहा है, इताई देस, यहाँ पे ताई फॉर्म ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ओना कागा इताई देस करा नानी मो कुछ भी ताबे ताकु नाई देस, यहाँ पे क्या किया है, ताई फॉर्म का निगेशन किया है, ताबे ताकु नाई देस, ताबे ताई देस मतलब खाने की इच्छा है, ताबे ताकु नाई देस का मतलब क्या हुआ, खाने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इक्की ताई देस, इक्की ताकु नाई देस, ओके, इक्की ताकु नाई देस, इक्की ताकु नाई, कु नाई, आपको ये जो है ये रिमूव करके सिर्फ आपको लास्ट में कुनाई जोड़ना है, और उस वैसा करने से वो क्या है हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाई ताई देस, उसका क्या होगा, खाई ताकु नाई देस, ठीक है, खाई ताकु नाई देस मतलब मुझे शूज परचेस करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, इक्की ताकु नाई देस जाने की इच्छा नहीं है, ताबे ताकु नाई देस खाने की इच्छा नहीं है, नोमी ताकु नाई देस पीने की इच्छा नहीं है, ठीक है, सोबी ताकु नाई देस मुझे खेलने की इच्छा नहीं है,
ओदोरी ता कुनाई देसु, मुझे डांस करने की इच्छा नहीं है। तो ये जो है ना, ये नाई फॉर्म को नाई ज्वाइन करना है ई रिमूव करके, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, वो निगेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी डेली जो कॉन्वर्सेशन होता है वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी सेंटेंस। रेन शू शिमा शो, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वाताशी वा कामिना हो खिताई देसु, आई वॉन्ट टू बाय, या फिर आई विश टू बाय कैमेरा, ठीक है। मुझे कैमेरा परचेस करने की इच्छा है। वाताशी वा काजुकुन की आइताई देसु, ओके। मुझे फैमिली को क्या है, मिलने की इच्छा है, ठीक है। काजोको नी आइताई देस, यहाँ पे नी आया क्योंकि फैमिली को मिलने की इच्छा है। कामेरा ओ खाइताई देस, ओ पार्टिकल आया है बिकॉज फंक्शन वर्ब में मुझे वो परचेस करना है, ठीक है। तो पार्टिकल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ काजोकू ओ आइताई देस वा दामे देस, वो चुका माना है, देखो दासा है, आपको वो यूज नहीं करना। वाताशी वा गाई को कूद दे हतारा की ताई दे, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। ये हतारा को वर्ब जो है ना, उसके साथ पार्टिकल दे आ जाता है। और सुतो मेरो, हतारा को मतलब क्या है, वर्क करना। सुतो मेरो का मतलब भी वही है, सुतो मेरो मतलब वर्क करना, लेकिन इसके साथ में नी पार्टिकल आ जाता है। नी सुतो मेरो, खाईशा नी सुतो मेरो, खाईशा दे हतारा को। तो यहाँ पे ये पार्टिकल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आना तावा नानी ओ शिताई देस का, व्हाट डू यू वांट टू डू, ओके। आपको क्या करने की इच्छा है, ओके। आना तावा नानी ओ शिताई देस का, सुरु शिताई, ठीक है। क्या करने की इच्छा है, तो आप मुझे बताएंगे। वाताशी वा चोकोरे तो ओ ताबेताई देस, मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा है, ठीक है। सो आप बताएंगे, आना तावा नानी ओ शिताई देस का, आपको क्या करने की इच्छा है। वाताशी वा निहोन ए इकिताई देस, मुझे जापान जाने की इच्छा है। वाताशी वा रिंगो ओ ताबेताई देस, मुझे एप्पल खाने की इच्छा है। आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे पेट से इनू बोल सकते हो, नेको बोल सकते हो, कुरुमा है, वाइकु है। तो ये जो नाउन है इनको यूज करके आपको ताई फॉर्म बनाना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको ये भी ग्रामर पैटर्न जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वाकारी माशिता का मीना सा ई देश ने जासुगी की मशो। ओके, यहाँ पे अब हम देखेंगे इकिताई देश, जाने की इच्छा है। इकी ताकु नाई देश, जाने की इच्छा नहीं है। ताबे ताई देश, खाने की इच्छा है। ताबे ताकु नाई देश, खाने की इच्छा नहीं है। के कोई शिताई देश, ओके, यहाँ पे देश है आप, के कोई शिताई देश, हाँ, शादी करने की इच्छा है। ओके, शिकाकु नाई देसु, शादी करने की इच्छा नहीं है। तो इस तरह से ग्रामर पैटर्न जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक मैं बात बता दूँ, ये आरु वर्ब है, उसके साथ में आपको सही फॉर्म नहीं लगाना, ठीक है। अरिगातो गोजाइमाशिता, आई होप आपको ये भी ग्रामर पैटर्न जो है ताई फॉर्म वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जैसे कि मैं बताती हूँ, आप सेंटेंस बना के मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये भी ग्रामर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके, और जो आप स्टडी कर रहे हो वो भी अच्छी तरह से करते रहना है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, धन्यवाद।